मुझे पता है कि हर बच्चों के मन में क्वेश्चन एक ही चल रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कैप राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो कुछ बहुत बड़ा अपडेट आया जो अपडेट मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। एंड दूसरी बात गाइस, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कई सालों से हम बच्चों का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कैप राउंड, एडमिशन प्रोसेस सब कुछ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस बस चैनल को क्या करना है, फ्री में सब्सक्राइब करके हमें एक मोटिवेशन देना है। एंड दूसरी बात गाइस, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां जो भी अपडेट आता है मैं आपको फटाक से भेज पाता हूं। तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। एंड इंजीनियरिंग फार्मेसी डिप्लोमा एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रदीप गिरी अकेडमी यूट्यूब चैनल है, उस पर पूरे कंटेंट डाले हुए, अभी से चाहिए तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस देखो, देखिए 12th का जो रिजल्ट था वो समय से पहले आ गया था। देन इसके बाद हमें लगा था यार इस बार काम बहुत फटाफट हो रहा था। सीईटी का रिजल्ट भी 10 तारीख को अनाउंस किया था, समय से पहले ही अनाउंस किया था, बट ऑब्जेक्शन के इशू के कारण उसको डिले किया गया। जब 19 बोला गया, फिर 19 से पहले ये भी 16 को आ गया, तो हमें लगा कि यार काम बहुत फटाफट फटाफट हो रहा है। बट बहुत सारे इशू थे, जिन इशू के बारे में आप सभी को पता है, बहुत सारे इशू थे। बट गाइस नेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है नीट को लेके। इन सभी इशू के कारण जो चीज़ें उठ के आ रही, ये पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर का एडमिशन प्रोसेस, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कैप राउंड का प्रोसेस है, पहले हमें यह लग रहा था कि जून के एंड में स्टार्ट हो जाएगा। बट गाइस जो बातें उठ के आ रही है मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू जो बातें उठ के आ रही, वो ये पता चल रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ज़्यादा जुलाई से ज़्यादा डिले तो करने के चांसेस नहीं, क्योंकि गाइस इसी जून के एंडिंग में एक मीटिंग भी है, उस मीटिंग में पूरी चीज़ें डिसाइड की जाएगी। मतलब 27-28 के आसपास मीटिंग है, उस मीटिंग में सब चीज़ें डिसाइड की जाएगा, और उस मीटिंग के बाद जुलाई से आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं। जो बातें अभी उठ के आ रही है, अगर इसके अंदर थोड़ा आप नॉलेज के लिए समझोगे तो इंजीनियरिंग के लिए 146,000 जो जगह दिखाई दे रहा है, देन इसके फार्मेसी के लिए 43,000 एंड एग्रीकल्चर के लिए 16,000, ये चीज़ें न्यूज़पेपर के कटिंग में आई हुई है। और यहाँ ये बोला भी गया है कि सब चीज़ें टाइम पे हो सकती थी, पर जो एमएससी सीईटी में कुछ इशू के कारण ये चीज़ें थोड़ा डिले चला गया, और इसी डिले होने के वजह से एडमिशन प्रोसेस भी थोड़ा डिले हो गया गाइस। तो इसीलिए अब लग रहा है जून में एडमिशन प्रोसेस के चांसेस कम स्टार्ट होने के हैं, जुलाई से ये स्टार्ट हो सकता है। और बट एक चीज़ बोलूँगा गाइस, डॉक्यूमेंट सभी चीज़ बना के रख लो, डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कि जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा सबका स्टार्ट होगा ना, थोड़ी आपका अलग डिले हो रहा है, उसका अलग, ऐसा थोड़ी है, सबका एक साथ स्टार्ट होने वाला। और पहली बात तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको सभी अपडेट ऑन टाइम, कैसे फॉर्म भरना, सब कुछ चीजें हम आपको बताने वाले। और मेरा इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां भी बहुत सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूं, तो प्लीज उसको भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।